Good morning, dear students. Today I am going to teach you future continuous tense. और आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों. और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और साथ ही इसके बेल बटन को जरूर दबा लें जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले आ सके. मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सतत भविष्यकाल, इसका हिंदी होगा सतत भविष्यकाल. पहचान होगी रहा होगा, रही होगी रहे होंगे. अब देखते हैं इसका यूज किस तरीके से होगा. भविष्य के किसी समय पर क्या हो रहा होगा उसे इस टेंस से बताते हैं. पहली चीज आपको याद रखना है इसका उपयोग कहां करना है. भविष्य के किसी समय पर क्या हो रहा होगा उसे इस टेंस के द्वारा बताते हैं, पहली चीज. सेकंड है सामान्य तरीके से कोई कार्य फ्यूचर में, सामान्य तरीके से कोई कार्य होता रहेगा, फ्यूचर में होता रहेगा तो भी आप इसका यूज करेंगे. थर्ड नंबर देखें पूर्व निर्धारित तरीके से काम योजना अनुसार होने पर. वक्ता ने जो पूर्व निर्धारित तरीका बताया उस तरीके से यदि काम योजना अनुसार होता रहेगा तो उसमें भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. अब हम देखते हैं इसका यूज किस तरीके से किया जाएगा. फर्स्ट आप इसके स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो फ्यूचर में जो स्ट्रक्चर वर्क करता है अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट देन शैल ऑब्लिक विल. यहां पर शैल ऑब्लिक विल और बी आ जाएगा कंपल्सरी, दोनों के साथ बी का यूज करना है. देन वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. तो देखेंगे इसका जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं. तो फर्स्ट नंबर आप समझ लें द हॉर्स विल बी रनिंग एट द टाइम. द हॉर्स विल बी रनिंग सेंटेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बनाया. सपोज एक एग्जाम्पल दिया है द हॉर्स विल बी रनिंग, द हॉर्स विल बी रनिंग. अब आप इस सेंटेंस को देखें, ये जो सेंटेंस घोड़े दौड़ रहे होंगे एक सिंपल यदि आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हो द हॉर्स इज रनिंग, द हॉर्स इज रनिंग. यहां पर आपको हॉर्सेज करना है, द हॉर्सेस विल बी रनिंग, घोड़े दौड़ रहे होंगे और द हॉर्स आर रनिंग, घोड़े दौड़ रहे हैं. तो एट नाउ बोलते समय घोड़े दौड़ रहे हैं इसमें थोड़ी निश्चितता है और द हॉर्स विल बी रनिंग घोड़े दौड़ रहे होंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तुलना में थोड़े निश्चितता कम है. तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो मैं सपोज अब अगर यहां मैं सेंटेंस बताता हूं कि मैं पढ़ रहा हूंगा पूर्व निर्धारित तरीके से योजना अनुसार जो काम चलता है मेरा जो रूटीन है उसको फॉलो करते हुए अगर देखा जाए तो मैंने सेंटेंस दिया मैं पढ़ रहा हूंगा. तो सेंटेंस सबसे पहले तो सब्जेक्ट लेंगे आई शैल बी, आई शैल बी स्टडिंग, आई शैल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूंगा. ऐसे ही वह पढ़ रहा होगा, हम पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे तो वी शैल बी स्टडिंग, आप पढ़ रहे होंगे यू विल बी स्टडिंग, वे पढ़ रहे होंगे दे विल बी स्टडिंग, बच्चे पढ़ रहे होंगे चिल्ड्रन विल बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा ही विल बी
स्टडी वहां पढ़ रही होगी, शी विल बी स्टडी। राम पढ़ रहा होगा, राम विल बी स्टडी। बस आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल भी यूज होगा और रिमेनिंग सब्जेक्ट में विल बी का यूज होगा। जब आप इसका निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें निगेटिव के लिए बस हेल्पिंग वर्ब आपका दिया है शैल बी और विल बी, शैल ऑब्लिक विल प्लस बी, इस बीच में आपको नॉट का यूज करना है। तो इस तरीके से मैं पढ़ रहा हूंगा तो सेंटेंस इसका नेगेटिव बनाते हैं कि मैं नहीं पढ़ रहा हूंगा तो आई शैल देन नॉट, आई शैल नॉट बी स्टडिंग, आई शैल नॉट बी स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूंगा, हम नहीं पढ़ रहे होंगे, वी शैल नॉट बी स्टडिंग। अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैंने आपको बताया कि इसका अगर शॉर्ट फॉर्म करते शॉन्ट, विश मैं नहीं पढ़ रहा हूंगा, आई शॉन्ट बी स्टडिंग, तो भी आपका चलेगा। शैल नॉट के प्लेस पर शॉन्ट और विल नॉट के प्लेस पर आपको निगेटिव बनाने के लिए यूज करना है वॉन्ट अपोस्ट्रोफ, वांट का यूज कर देंगे निगेटिव के लिए। इस तरीके से आप सभी के साथ जब निगेटिव बनाते हैं, हम नहीं पढ़ रहे होंगे वी वांट बी स्टडिंग, आप वी के साथ वी शॉन्ट बी स्टडिंग, आप नहीं पढ़ रहे होंगे यू वांट बी स्टडिंग, वे नहीं पढ़ रहे होंगे दे वांट बी स्टडिंग, बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे चिल्ड्रन वांट बी स्टडिंग, वह नहीं पढ़ रहा होगा ही वांट बी स्टडिंग, वह नहीं पढ़ रही होगी शी वांट बी स्टडिंग, राम नहीं पढ़ रहा होगा राम वांट बी स्टडी। तो एक तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बना लिया। दूसरा आप इसे देखते हैं पूर्व निर्धारित तरीके से यदि कोई काम, सपोज हमने बोला कि पूरी सुबह वर्षा होती रहेगी, तो पूरी सुबह वर्षा होती रहेगी ये सामान्य तरीके से कोई कार्य भविष्य में होगा ये हमने इस तरीके से आप बताना चाहते हो तो आपका सेंटेंस होगा वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी। तो उसके लिए आप यूज करेंगे सब्जेक्ट इट, और इट इसमें ध्यान रहे कि सब्जेक्ट इट मीनिंगलेस होता है। इट विल बी रेनिंग सेंटेंस हो जाएगा, इट विल बी रेनिंग, वर्षा हो रही होगी। तो ये सामान्य तरीके से आपने बताया कि नॉर्मली वर्षा हो रही होगी तो आप यूज करेंगे इट विल बी रेनिंग। ऐसे राम मॉर्निंग वॉक पर जा रहा होगा तो सेंटेंस हम लेते हैं राम विल बी गोइंग, राम विल बी गोइंग टू वॉक, राम विल बी गोइंग टू वॉक, ये आपका हो गया सेंटेंस। तो इस तरीके से एक तो ये सेकंड यूज, जब कोई कार्य हम पूर्व निर्धारित तरीके से हम बताते, सपोज हमने बोला गोपाल विल बी स्टेइंग विथ यू, गोपाल विल बी स्टेइंग विथ यू, गोपाल आपके साथ रह रहा होगा, तो पूर्व निर्धारित तरीके से हमने बताया आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल भोपाल जा रहा हूंगा तो आई शैल बी। अब ये मैंने पूर्व निर्धारित तरीके से आपको बताया कि आई शैल बी गोइंग टू भोपाल, आई शैल बी गोइंग टू भोपाल, और लास्ट में मैंने इसमें लगा दिया टुमारो। तो टुमारो ये क्या पूर्व निर्धारित है कि मुझे जाना है, और इसका मैंने बोलते वक्त आपको बताया कि पहले से आपने निर्धारित कर लिया है कि मैं कल भोपाल जा रहा होऊंगा तो आई शैल बी गोइंग टू भोपाल, यहां सॉरी टुमारो होगा, नहीं नहीं गोइंग टू भोपाल टुमारो, अब अगर इंट्रोगेटिव
आप सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, और मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपका जो स्ट्रक्चर काम करेगा वो स्ट्रक्चर होगा इसमें टेल को पहले लेना है, देन सब्जेक्ट क्रिएट करना है बी का, फिर वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव में काम करेगा। और एक और चीज है कि इसका जब हम यूज करते हैं इमेजिनेशन में भी ये सेंटेंस काम करता है। सपोज मैं अभी यहाँ रह करके कुछ बताता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, मैंने देखा नहीं लेकिन इमेजिन किया किसी पर्टिकुलर टाइम पर कौन सा काम हो रहा होगा, उस चीज़ को एट प्रेजेंट वाले केस में जो अभी चल रहा है उस चीज़ को बताने के लिए भी मैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। सपोज राम बाजार जा रहा होगा, वह घूम रहा होगा, तो एट प्रेजेंट का मैंने बताया, लेकिन इमेजिनेशन है जो आपके सामने नहीं, सिर्फ आपने इमेजिन किया उसमें भी आप इसका यूज करते हैं। सपोज वह बाजार जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह सो रहा होगा, इमेजिन किया, मुझे पता है शायद वो इस समय सोने का उसका टाइम है इसलिए मैं बोलूंगा वह सो रहा होगा, तो सेंटेंस में ही विल बी स्लीपिंग। बोलते वक्त जो बोला गया उस समय वो क्या कर रहा होगा, तो ये इमेजिनेशन है, इस बेस पर भी आप इसका यूज करते हैं। और इंट्रोगेटिव के लिए तो आपको विल और शैल को पूरा आगे लेना है, बी को आगे नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। सपोज मैंने बोला कि क्या वह बाजार जा रहा होगा, क्या वह बाजार जा रहा होगा, तो ऐसे में आपको सेंटेंस विल ही बी गोइंग टू मार्केट, विल ही बी गोइंग टू मार्केट, ये बन गया। क्या वह पढ़ रहा होगा, तो आपको क्या करना है इसी में विल ही बी स्टडिंग। क्या मम्मी खाना बना रही होगी, तो विल मदर बी कुकिंग फूड, विल मदर बी कुकिंग फूड। तो इंट्रोगेटिव इस तरीके से आप यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। जब इसका WH इंट्रोगेटिव WH में आप यूज करते हैं, वह क्या कर रहा होगा, वह कल कहाँ जा रहा होगा। सपोज मैंने सेंटेंस WH वर्ड का यूज करना है, तो WH वर्ड के लिए वह कल क्या कर रहा होगा, वह कल क्या कर रहा होगा, तो what will he doing tomorrow, what will he be doing tomorrow, वह कल क्या कर रहा होगा, वह कल कहां जा रहा होगा, तो where will he be going tomorrow, या आप चाहे तो tomorrow को शुरू में भी आप रख सकते हैं। वह वहां क्यों जा रहा होगा, तो क्यों जा रहा होगा, तो आप इसके लिए भी क्या करेंगे, टुमारो का ध्यान दें, टुमारो यदि आप टाइम बताते हो उसमें तो लास्ट में कॉमा लगा दें, या फिर शुरू में आप टुमारो को टुमारो वर्ड का यूज कर सकते हैं।